अभिषेक यादव जी गोरखपुर से। राधे राधे गुरु जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई के दौरान जब दूसरे बच्चों किसी प्रश्न का हल तुरंत कर लेते हैं और हमें उसी प्रश्न को समझने अथवा हल करने में समय लगता है, तो क्या महाराज जी बुद्धि भी क्या प्रारब्ध से मिलती है? हाँ, प्रारब्ध से तो मिलती है। गुरु का तप और पुण्य प्रभाव काम करता है। उनका पुण्य प्रभाव जोरदार है तो उनकी बौद्धिक शक्ति प्रबल। भाई, इतने 140 करोड़ जनसंख्या है और सबकी बुद्धि में अंतर होगा, एक जैसी बुद्धि तो नहीं होगी ना। भक्तों में एक जैसी बुद्धि नहीं है, सिद्धों में एक जैसी नहीं, उसमें भी अंतर आएगा। तो इसलिए तप, भजन, पाप, अधर्म, इनका प्रभाव होता है। तप भजन से पूर्व अभी पाप कर रहा है, लेकिन पूर्व का तप और भजन बहुत तीव्र बुद्धि होगी। लेकिन वो तीव्र बुद्धि यदि इस जीवन में भगवान की प्राप्ति न कर पाए तो किस काम की? बौद्धिक शक्ति पुष्ट करने के लिए हम केवल प्रारब्ध के अधीन न रहें। अगर इस जन्म में हम ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक संग्रह करें, पवित्र आहार करें और भगवान का नाम जप करें, तो भगवत कृपा से बहुत प्रवीण बुद्धि हो सकती है। कालिदास जी के चरित्र में आता है कि वो एकदम, लेकिन जगदम्बा की कृपा हो गई तो, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बा प्रसन्न हो गए तो कालिदास कवि हो गए। ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों के भी विषय में आता है। भगवान के लिए एक श्लोक आता है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। जो सरस्वती को भी बुद्धि प्रदान करते हैं, श्री भगवान है। सरस्वती जी की भी एक सीमा युक्त बुद्धि है, असीम तो भगवान का ज्ञान है। तो अगर हम भगवान के आश्रित हो जाएं, नाम जप करें, ब्रह्मचर्य का सेवन करें, पवित्र आहार, निश्चित बुद्धि प्रवीण हो जाएगी। हाँ, नाम जप करो ना तो बुद्धि, जैसे जैसे दर्पण है, अब उसमें मल लगा है तो उसकी क्षमता अंदर है, पर मल के कारण खो गई, हमारा प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देगा। और जे भी मल हटा तो साफ दिखाई देगा ना तुरंत। तो ऐसे ही निर्मल बुद्धि तुरंत ज्ञान प्रकाशित करती है। और जैसे जैसे मलिन होती जाती है, वैसे मूढ़ता जागृत होती है। अब बुद्धि के मानने के लिए कोई निर्मा सर्प आदि की रचना तो हुई नहीं, उसकी नाम जप है, शास्त्र स्वाध्याय है, भगवान की आराधना है, उसी से बुद्धि प्रबल। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कौन? से हनुमान जी। क्यों? हर समय सियाराम सियाराम सियाराम, है नहीं? तो बल और बुद्धि दोनों भगवान से प्राप्त होती है। मूक भी वाचाल हो जाए, पंगु भी पहाड़ को लांग जाए, ऐसी सामर्थ्य भगवान देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए ब्रह्मचर्य का सेवन करें तो जरूर बुद्धि पवित्र हो जाएगी। तो मंत्रों में, नाम में अपार सामर्थ्य है। हम विश्वास करें और शुरू करें। जैसे डॉक्टर पर विश्वास करके दवा लेना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे रोग का शमन होता है, परहेज के साथ। ऐसे यदि हम संत सदगुरुदेव की बात मानकर नाम जप करना शुरू करें तो निश्चित मंगल हो जाएगा, निश्चित। देखो, एक बार हमको आज के 22-23 वर्ष पहले किसी मंच पे बैठाला गया। संन्यास का वेश था कि आप कुछ बोलिए। भगवान की ऐसी लीला थी। तब तक हम ऐसे रहते थे कि जैसे कोई, हम कई बार हमसे पूछा गया कि तुम्हारे वाणी है कि नहीं, बोलना आता है कि नहीं, क्योंकि मौन शांत, अब किसी से कोई मतलब नहीं। अब हमें बैठाला गया कि आप कुछ बोलिए। तत्काल हृदय में कि अगर कुछ बोले तो फंस जाओगे, क्योंकि अगली बार फिर बैठा लेंगे। दो चार बार नाम कीर्तन करवाया, उनका हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। तो हंस दिए सब मन से, क्योंकि एक भी शब्द नहीं बोला। हमको अपना आंतरिक प्रकाश बढ़ाना, जब देखो उनको बुलवाना हुआ तो अब इतना बुलवा रहे हैं कि देखो, 4 बजे से सत्संग, 4:15 बजे से शुरू होता है, अभी तक होकर कभी लगे 8:30-9 बज जाएंगे। भगवान मुकम करो तिवाचालम,
वो जब बुलवाना, वो जब ज्ञान देंगे ना, सब ब्रह्मा को भी ज्ञान भगवान ने ही दिया है, ज्ञान समुद्र भगवान है। हमें लगता है आश्रित हो जाओ नाम जप करो और किसी से द्वेष ना करो। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, वो एक प्रकृति के ही क्षेत्र में बुद्धिमान, तो तुम परमात्मा से जुड़कर उससे ज्यादा बुद्धिमान हो सकते, नहीं हो सकते।